नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर। आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों Amazon पे लेटर पे आपको Amazon पे एक न्यू अपडेट आया हुआ है जो कि Amazon पे लेटर है। तो Amazon पे लेटर में आपको कैसे वेरीफाई करना है जो कि इजिबल है या नहीं है। अगर आपका क्रेडिट खराब है तो आपको ये इजिबल नहीं मिल सकता है, जो कि मुझे लाइव मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊँ कि मुझे इजिबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊँ। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ करना जरूरी है, तीन चीज़ आपको होने पास बहुत जरूरी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसके बगैर आप ये सारी चीज़ आपको इजिबल नहीं मिलेगा। अगर आपने कहीं भी कभी भी अगर नोल लिए होंगे तो नोल को अगर आपने सही टाइम पर अगर आप उसको पेमेंट कर दिए होंगे, जो कि आपको नोल चुका दिए होंगे, तभी आपको इसका लिए इजिबल मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है तो आपको मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी वेबसाइट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से मैंने आज तक कोई भी 1 रुपया तक नोल नहीं लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरा इजिबल मुझे कितना मिलेगा कि कितना नहीं मिलेगा मुझे क्रेडिट Amazon पे लेटर से। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको पहले से अगर आपने अगर Amazon को KYC करके रखे होंगे, फुल्ली KYC, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, तभी आप इसके लिए इजिबल है। उसके लिए आपको Amazon KYC कर लेना है पहले, उसके बाद ही आपको ये अप्रूव मिलेगा। उसके लिए आप Amazon KYC करने के बाद आपको एक Amazon से एक एजेंसी आएगा जो कि आपको Amazon वेरीफाइड करेगा, आपका मोबाइल नंबर लेकर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, इस सब चीज़ों से आपको देख के उसको वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद आपको Amazon फुल्ली KYC हो जाएगा। जैसे पेटीएम KYC होता है, उसी तरह आपको Amazon फुल्ली KYC करना होगा, तभी जाके आप Amazon पे लेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो मेरा नाम है अमर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक है, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो चलिए मैं Amazon एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिले, जो अगर आपको Amazon पे लेटर का अगर ऑप्शन दे दिया तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मेरा Amazon पे बैलेंस, Amazon पे लेटर, प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिले Amazon पे UPI। ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो Amazon पे UPI लेटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका इजिबल आप है या नहीं है सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको KYC होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आपको KYC करने के लिए आपको Amazon से आप फुल KYC कर लीजिएगा, जो कि आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के लिए वेरीफिकेशन करने के लिए Amazon से एजेंसी आएगा, जो कि आप वहाँ से वेरीफाइड कर लीजिए। पहले आप एक बार वेरीफाइड कीजिएगा, उसके बाद Amazon से आएगा एक आदमी वेरीफाइड करने के लिए कि आपके Amazon पे KYC फुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए ऐसा इजिबल कि इसको किस तरह से हम इसको करेंगे अप्लाई। अप्लाई में डायरेक्ट आपको ज़्यादा बकवास नहीं करते, इसलिए आपको जाना है अप्लाई नाउ के ऊपर। ठीक है ना, जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर जाएंगे तो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा KYC फुल्ली किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है। तो मेरा पैन नंबर पहले से KYC किया हुआ है, तो इसलिए मेरा खाली ये खाली अंक डालना है, जो कि मेरा पैन नंबर का नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खाली मेरा नंबर डालना है, बाकी सब ID भी यहाँ पर डाला हुआ, जो इंग्लिश में कैपिटल में है, ये सारी चीज़ दिया हुआ। खाली यहाँ पर मुझे पैन कार्ड का नंबर डालना है, डालने के बाद मुझे एग्री टू कंटिन्यू करना है। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है कंटिन्यू। ठीक है ना, एग्री टू कंटिन्यू यहाँ पर जैसे कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा पहले से ही। उसके बाद आपको वेरीफाइड के लिए आपको मांगे जाए, देखिए मेरा वेरीफाइड हो रहा है फुल तरह से, जो मेरा पैन कार्ड वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड करने के बाद जब मेरा फुल KYC किया हुआ था पहले से, इसीलिए मुझे कंग्रेचुलेसन दे दिया है। कंग्रेचुलेसन, आपको 10,000 का क्रेडिट मिल गया, जो कि मुझे 10,000 का क्रेडिट आप यहाँ से मुझे मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना, कुछ इस तरह से मुझे ऑलरेडी एग्री। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एग्री टू कंटिन्यू। ठीक है, जैसे आप एग्री टू कंटिन्यू कीजिएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स मांगेगा, जो कि आप यहाँ से बैंक डिटेल्स किस ले लेता है, क्योंकि अगर आप ऑटो मोड में अगर पेमेंट करना चाहते हो तो ऑटो मोड में इसका पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि इस महीने आप कोई सामान परचेस कर रहे हो तो उसका अगला महीना आपको पेमेंट देना होगा। ठीक है ना, जो कि इस महीना में 10 तारीख को, तो अगला महीना जो भी हिसाब से आपको 10 तारीख या 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, उसी हिसाब से आपको जो पेमेंट है ऑटो मोड में काट लेगा वो पेमेंट। तो इसीलिए ऑटो मोड के लिए आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, आपका जो भी बैंक है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑटो मोड में आपको बैलेंस कर लेगा। तो इस हिसाब से आप, मैं अभी इसको ऑटो मोड में नहीं सेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको कर देता हूँ स्किप। स्किप करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, देखिए आप कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों मुझे 10,000 का क्रेडिट दिया गया, तो चलिए मैं उसको देखता हूँ कि मुझे काट कूट के क्या दिया गया है, जो 5,000 की 10,000 50,000 ये हो सकता है बढ़ भी गया होगा या कम भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा क्रेडिट कितना मिला है मुझे खास करके, ठीक है ना, क्योंकि आपको शो करता है कहीं वो कितना और आपको दिखाता है कुछ और, ठीक है ना। चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ मैं लाइव प्रूफ कि मुझे कितना मिला रियल में, सबके सामने मैंने दिखाया कि अभी मुझे 10,000 का क्रेडिट मिला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 10,000 का मिला है या कुछ कम मिला है। इसके लिए मैं चला जाता हूँ अमेजोन पे के ऊपर। जैसे मैं पे के ऊपर जाता हूँ, जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मुझे 5,000 का, 10,000 का आपके सामने अभी दिखाया कि 10,000 का क्रेडिट मुझे मिला है, और यहाँ पर आप मुझे दिख रहा है कि 5,000 का क्रेडिट मुझे मिला है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अमेजन पे लेटर यहाँ पर मुझे 5,000 का क्रेडिट मिला है, बस ज़्यादा नहीं, बस 5,000 का सामान के लिए मुझे क्रेडिट मिला गया है। यहाँ पर 5,000 रुपया जो मुझे अमेजन पे लेटर की तरफ से मुझे 5,000 रुपया मिल गया है, ठीक है ना। इस 5,000 पे ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो भी यूज लिमिट है, मैं अभी तक कुछ यूज नहीं किया हूँ, जो आपके सामने अभी लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। लाइफ टाइम यूज़ जो कि मुझे 5,000 दिखने को, टोटल अप्रूव लिमिट जो कि मुझे 5,000 ही मिला है, ये 5,000 मिला है बस, ज़्यादा नहीं, कुछ इतना ही मुझे लाइव, हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है इसका जो लिमिट है 60,000 तक दिया गया है आपको, हो सकता है 20,000 मिल जाए, 10,000, 50,000, 60,000 जो भी मिल सकता है आपको उसी हिसाब से मिल सकता है। तो इसके लिए अगर आपको फुल्ली KYC होना जरूरी है तभी जाके आपको इसका इजीबल मिलेगा। अगर आपको KYC किया हुआ नहीं है तो आपको शायद ही नहीं मिल सकता है कि आपको मिलने की चांसेस है। तो पहले आप इसको फुल्ली KYC कीजिए, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।